गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ अनिल कुमार सिंह, योर कंप्यूटर टीचर, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द न्यू चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। एंड वी आर नाउ डिस्कसिंग द सेवेंथ चैप्टर, आई थिंक, नो, सिक्स चैप्टर। दिस इज़ एस टी एम एल, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें हम लोग वेब पेजेस डिज़ाइनिंग भी करते हैं। तो उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है आज की क्लास में, सिर्फ वही इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा जाएगा, तो केयरफुली उस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, एस टी एम एल का ओवरव्यू दिया है। एस टी एम एल स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज़ मोस्टली वाइडली यूज लैंग्वेज टू राइट द वेब पेजेस। ओके, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो दीज इज कॉल्ड वेब पेजेस। व्हाट इज़ वेब पेजेस? अगर आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा तो वेब पेजेस आर दोज पेजेस हु इज ओपन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कह सकते हैं कि इंटरनेट की हेल्प से ओपन होने वाले सारे पेजेस को वेब पेजेस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द वे इन विच द वेब पेज या एस टी एम एल डॉक्यूमेंट आर लिंक्ड टुगेदर, दस द लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज इज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट। यानी वो जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं उस पे जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसे हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है, या जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ऐसे टेक्स्ट जो एक दूसरे पेजेस को लिंक कर सकें एक दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट। थर्ड में क्या लिखा है? एज इट मीन्स नेम सजेस्टेड, एस टी एम एल इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज विच मीन्स यू द यूज़ ऑफ एस टी एम एल टू सिंपली मार्क अप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट एंड टेल अ वेब ब्राउजर हाउ टू स्ट्रक्चर इट टू डिस्प्ले। कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि एक सिंपल पेज पे जो टेक्स्ट आप लिखते हैं उसे ब्राउज़र पे रन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है मार्कअप, उसी को मार्कअप कहा जाता है। कि आपने एक सिंपल टेक्स्ट पे, सिंपल पेज पे कोई टेक्स्ट लिखा और उसको आपने ब्राउज़र पे रन कराया और जैसे आप चाहते हैं उस हिसाब से वो रन हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड द मार्कअप। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन्स अ पेज विच इज़ डिज़ाइन फॉर द वेब्स और कैन से अ पेज विच इज़ ओनली फॉर द इंटरनेट इज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चलिए एट लास्ट लिखा हुआ है द एक्सटेंशन फाइल ऑफ द HTML। HTML की एक्सटेंशन फाइल क्या होती है? STM एंड HTML डॉट के साथ। यानी आप लोग अगर वेब पेजेस को पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे? विद द हेल्प ऑफ डॉट HTML एंड डॉट STM। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बेसिक HTML डॉक्यूमेंट, दिस इज़ द टाइप ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट टाइप HTML का, जिसमें आप देख सकते हैं हियर ओके, हियर यू कैन सी द टाइप ऑफ HTML, कैसे आप लोग टाइप करते हैं। तो एक तरीके से अगर गौर किया जाए तो दिस इज़ योर HTML डॉक्यूमेंट जो आप टाइप करते हैं, ठीक है। ये आप टाइप कर सकते हैं नोट पैड पे भी, एक वेबसिंग एडिटर आता है आप उस पर भी टाइप कर सकते हैं। तो दोनों एडिटर के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और ये आपका नीचे जो है ये आपका रिजल्ट है। ओके, दिस इज़ योर रिजल्ट आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम ऑन द ब्राउजर्स। ओके, गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, HTML टूल्स, बेसिकली HTML के दो टूल होते हैं। किसी भी HTML पेज HTML को रन करने के लिए हमें दो टूल की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज़ HTML एडिटर। एडिटर मीन्स वेयर यू कैन टाइप योर टेक्स्ट एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा। ब्राउजर्स द प्लेस वेयर यू कैन रन योर टेक्स्ट। ओके, देयर आर टू टूल्स ऑफ द HTML। फर्स्ट वन इज़ HTML एडिटर, सेकेंड वन इज़ ब्राउजर्स। HTML एडिटर में लिखा ना फॉर क्रिएट एंड सेव द पेज, एंड सेकेंड वन ब्राउजर फॉर द रिजल्ट। यानी जो आप लिखते हो उसका रिजल्ट कैसा शो होगा उसके लिए हमें ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं HTML एडिटर की। तो फर्स्ट वन है वेबसिंग एडिटर, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको दे रखी है WYSIWYG। इट मीन्स व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। एंड सेकेंड एडिटर इज़ टेक्स्ट एडिटर, जिसे हम लोग नोट पैड भी कहते हैं। बेसिकली हम सभी लोग जो एडिटिंग करते हैं, या कह सकते हैं हम जो टेक्स्ट लिखते हैं HTML टेक्स्ट लिखते हैं, वो उसके लिए हम लोग जो एडिटर यूज़ करते हैं वो नोट पैड है। पर जो वेबसिंग एडिटर है इसका इस्तेमाल हम टेक्स्ट के साथ साथ रिजल्ट को भी एक साथ देखने के लिए करते हैं। आप लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं इसलिए आपके सिलेबस में इतना बहुत कुछ उसके बारे में नहीं है। पर नोट पैड का यूज़ आप लोग पहले भी कर चुके हैं नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, या फिर अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वी कैन यूज़ द नोट पैड एडिटर। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, ब्राउजर्स, बेसिकली यू नो व्हाट द ब्राउजर इज़।
an application software which is used for run the web pages. So you can make the web pages on the Notepad with the save your file with that extension of HTML or STM and run these pages on the browser. These are the example of browsers. और मोस्टली ब्राउजर्स आप सभी जानते हैं. फर्स्ट वन इज़ ओपेरा, सेकेंड वन इज़ गूगल क्रोम, थर्ड वन इज़ एप्पल सफारी. एप्पल यानी एक तरीके से जो कंपनी है एप्पल, उसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है. जैसे कि विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर. ये आपका एज एक ब्राउज़र है जो यूज़ किया जाता है आजकल माइक्रोसॉफ्ट की न्यू विंडोज़ में. मोज़िला फायरफॉक्स, ओके. इसके अलावा मिनी है, ओपेरा मिनी है. इसके अलावा बहुत सारे ब्राउजर्स हैं यू कैन यूज़ फॉर रन योर वेब पेजेस. ओके, नेक्स्ट पेज प्लीज़. ओके, क्रिएटिंग अ वेब पेज. वेब पेज को क्रिएट करने के बेसिकली कुछ स्टेप्स लिखे हैं. दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ वेब पेज. फर्स्ट स्टेप इज ओपन द टेक्स्ट एडिटर. ओपन द टेक्स्ट एडिटर मीन्स यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, गो टू द एक्सेसरीज एंड क्लिक ऑन द नोटपैड. अदरवाइज द सेकेंड ऑप्शन इज गो टू द सर्च बटन, टाइप नोटपैड एंड क्लिक ऑन द नोटपैड ऑप्शन एंड द विंडो विल बी अपीयर ऑफ द नोटपैड. सो दिस इज योर एडिटर. फर्स्ट स्टेप इज कम्प्लीटेड. सेकेंड स्टेप इज राइट सम HTML लाइक दिस. इट मीन्स मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी इसीलिए शो किया है कि HTML को इस तरीके से लिखा जाता है. शो हो रहे हैं HTML डॉक टाइप, HTML बॉडी, देन माई हेडिंग, फर्स्ट प्रोग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आप लोग देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न है HTML को लिखने का. सो वी कैन डिस्कस द स्पेसिफिक पैटर्न ऑल्सो इन नेक्स्ट स्लाइड्स. Now we are just discussing the basic or overview of the HTML. Okay, so don't take attention. Third step is to save the file, to save the HTML page. जो HTML page आप यहाँ बनाओगे उसे आपको सेव भी करना है. कैसे सेव करना है? Control S is the shortcut key. Otherwise you can click on the file option, go to the save option. A dialog box will be appear. You can save your file with any name. But you have to careful about the extension. Directly अगर आप इस फाइल को सेव करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये .txt फाइल में सेव होगा. बट आपको सेव किस में करना है? .html. यानी जब भी आप फाइल का नेम लिख लोगे तो एट लास्ट आपको लिखना होगा वहाँ पे .html. तो जैसे ही आप इसे HTML फाइल के नाम से सेव करोगे तो आपका जो फाइल है वो एक वेब पेज बन जाएगा. ओके, रन करने के लिए रेडी हो जाएगा. लास्ट वन, व्यू द HTML पेज इन द ब्राउज़र. जैसे ही आप अपने पेज को सेव करेंगे उसको रन करने के लिए आपको एक ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो डायरेक्टली आप ब्राउज़र पे जाके भी रन कर सकते हैं. अदरवाइज देयर इज़ अ सिंपल ऑप्शन, यू कैन क्लिक ऑन योर वेब पेज, यू कैन क्लिक ऑन द नोटपैड फाइल, राइट क्लिक, सेंड फाइल टू द ब्राउज़र. ओके, दिस इज़ योर सिंपलेस्ट वे टू रन अ वेब पेज. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. इसके बारे में हम बात करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा. अगर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. मुझे बताइएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया. ओके, सो डोंट टेक टेंशन, जस्ट चिल. नेक्स्ट, टैग एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट. बेसिकली हम सभी जानते हैं, जब अभी आप लोग न्यू बिगनर्स हैं तो जब भी हम वेब पेजेस को राइट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैग्स की. तो टैग्स की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ दी है, जस्ट रीड इट आउट. HTML टैग्स आर लाइक द कीवर्ड्स विच डिफाइन दैट हाउ अ वेब ब्राउजर विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट. With the help of tags, a web browser can distinguish between an HTML content and simple content. HTML tags contain three main parts: opening tag, content and closing tag. Okay, तो यहाँ पर बताया गया है जो tags होते हैं, जो tags की formation होती है वो कहीं ना कहीं web page को run करने के लिए इसलिए important है क्योंकि सारे के सारे elements आपके tags के बीच में ही रखे जाते हैं और उन टैग्स के बीच में कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिसकी हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि ये टैग किस पर्पस के लिए यूज़ होता है. एग्जांपल के तौर पे अगर हमें पैराग्राफ टैग का यूज़ करना होता है तो हम लोग टैग्स को पी, एक वर्ड होता है पी, उसको इंटैग करके तब यूज़ करते हैं. अभी मैं बताऊँगा आगे कि कैसे टैग्स का यूज़ होता है, पर अभी आपको सिर्फ इतना जानना है टैग्स एक तरीके से हमारे टैग्स फॉर्मेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं. अगर आपके टैग्स वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हैं तो आपका टेक्स्ट रन नहीं होगा या आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो इम्प्लीमेंटेड नहीं माना जाएगा. क्लियर है? तो नीचे कुछ लिखा है, ऑल एलिमेंट टेक्स मस्ट इंक्लोज विद द दीज ब्रेसेस. जो आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी आप टेक्स लिखोगे, चाहे पी हो, चाहे ए हो, चाहे बी आर हो, चाहे एच आर हो, दीज आर द टेक्स,
उन्हें हमेशा इनक्लोज रखना पड़ता है इन ब्रैकेट्स में। आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें इनक्लोज करना पड़ता है। अगर इनमें इनक्लोज नहीं है तो आपके टैग्स यूज्ड नहीं होते। एवरी टैग इन द HTML परफॉर्म द डिफरेंट टास्क, बिल्कुल, चाहे P हो वो पैराग्राफ के लिए होगा, BR होगा, HR होगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव यूज टू ओपन टैग, ये आपका ओपन टैग कहलाता है, ये आपका क्लोज टैग कहलाता है। एक आपको देखा होगा डिवाइड का ये जो साइन है, ये क्लोज टैग कहलाता है, ये आपका ओपन, यानी हमेशा आपका जो कंटेंट होता है ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में रखा जाएगा। क्लियर? ओके, एक्सेप्ट टैग्स है। हाँ, कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो ओपन तो होते हैं पर वो क्लोज नहीं होते हैं, उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर इस टैग्स में किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, यू कैन कमेंट मी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, HTML टैग्स के एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे खूब सारे लिखे हैं, अगर शो हो रहे हो, मैं थोड़ा सा इन्हें इनलार्ज कर देता हूँ, थोड़ा आसानी से शो होंगे। आप भाई साहब इधर आ जाओ। ओके, HTML टैग, जैसे फर्स्ट वन इज़ पैराग्राफ टैग, ये पी को इनक्लोज किया है दो टैग्स में, ये हेडिंग टैग्स है। हेडिंग्स में आपके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इस तरीके से 7 हेडिंग्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड टैग, किसी भी टैक्स को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो आप लोग फ़ोन के इसमें जानते ही हैं। HTML टैग्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करने के लिए हम ये वाले टैग्स यूज़ करते हैं, चाहे वो इमेज हो, एरिया हो, मैप्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, परम्स हो, तो परम्स को पैरामीटर्स बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपके टैग्स यूज़ होते हैं। ठीक, कहाँ पे, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हो। सब अनक्लोज्ड, हाँ, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, अनक्लोज्ड वाले ये होते हैं BR टैग्स एंड HR टैग्स। BR टैग्स किस लिए होते हैं, ब्रेक लाइन के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन इन्हें हम क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, HR टैग होती है हॉरिजॉन्टल रूल्स के लिए। ठीक है, ये टैग भी यूज़ किए जाते हैं किसी भी लाइन को हॉरिजॉन्टली यूज़ करने के लिए। ओके, तो ये आपके जो टैग्स होते हैं, लास्ट के दोनों टैग्स, इन्हें हम क्लोज नहीं करते हैं कहीं से कहीं तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। HTML एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है, एक तरीके से देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको एलिमेंट थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। कम हियर, अ टेक्स्ट हेडर डिनोट, दीज आर द एलिमेंट्स। ओके, चलो, अ टेक्स्ट हेडर, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द HTML पेजेस, क्या एलिमेंट्स होते हैं पढ़ते हैं। अ टेक्स्ट हेडर होता है, पैराग्राफ होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, लिंक्स होते हैं, लिस्ट होती है, इमेजेस होते हैं, डिवाइडर होते हैं, तो दीज आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं हमारे वेब पेज में शो होने वाले होते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक वेब पेज बना रहा हूँ किसी स्कूल का, तो स्कूल में जब भी कोई नाम आएगा तो वो इट इज़ बोल्ड, बहुत अच्छे से उसको शो करना होगा, तो उसमें डिफरेंट कलर या बोल्ड या इटैलिक या कर्सिव राइटिंग, ये सब यूज़ मैं किसकी हेल्प से करता हूँ, एलिमेंट्स की हेल्प से। वो एलिमेंट्स जब तक यूज़ नहीं होंगे तब तक मैं नहीं बता पाऊँगा तो किस तरीके के एलिमेंट्स की वजह से मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा बन रहा है। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, पहला होता है कंटेनर एलिमेंट, दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट। अब दोनों में देखो उसकी डेफिनेशन छोड़ो, यहाँ पे कुछ लिखा है इससे ही पता चल जाएगा। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें ऑन और ऑफ, यानी ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स दोनों होते हैं, उन्हें हम लोग कंटेनर टैग कहते हैं। एक तरीके से ये टैग कुछ ना कुछ कंटेन करते हैं, कुछ एलिमेंट्स के बीच में होते हैं। एम्प्टी टैग्स होते हैं जिसमें कोई भी टैग, वो क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि अभी हमने BR और HR टैग्स पढ़े थे। ठीक है, BR टैग्स में लास्ट आपने देखा होगा क्लोजिंग टैग नहीं था, और HR में भी ऐसा ही था, सेम था। ठीक है, तो ये दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ कंटेनर एंड सेकेंड वन इज़ एम्प्टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट डिफाइन द एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, कम हियर, सच एज विड्थ एंड हाइट्स ऑफ अ इमेज। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग और कैन से ओपनिंग टैग एंड यूजली कंसिस्ट द नेम और वैल्यू पेयर्स। ओके, एट्रीब्यूट्स मीन्स होता है एक तरीके से आपके एडवर्ब जो आप यूज़ कर रहे हो कंटेंट या जो एलिमेंट्स आप लोग यूज़ करते हो उसमें एक्स्ट्रा फीचर देने के लिए हमें एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक इमेज को कैप्चर किया, एक इमेज एलिमेंट को HTML पेज के अंदर डाला। अब उस इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए,
उस इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, उस इमेज की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये मैं डिफाइन करता हूँ कहाँ पे, HTML एट्रीब्यूट्स पे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे भी रहा होगा अगर आप लोग गौर करेंगे। इमेज सोर्स दिया है, इमेज सोर्स में उन्होंने बता दिया है ये आपकी इमेज है, लेकिन एट लास्ट यहाँ पे ये जो दो चीज़ें दी हैं, दिस इज़ योर एलिमेंट्स। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक का टाइटल सर्च इंजन। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक एब्रीविएशन दिया है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, और उसको मैंने HTML से डिनोट कर दिया है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हमारे एलिमेंट्स का एक शो ऑफ या एक तरीके से परसेप्शन शो करते हैं कि एक इमेज है तो वो उसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, एक लिंक है तो उस लिंक को किस नाम से मुझे रखना है, एक फुल फॉर्म है उसको मुझे शॉर्ट एब्रीविएशन उसका कैसे कंटेन करना है, एक टेक्स्ट दे रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है इसमें हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, जॉन डियो, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना नाम दे सकता हूँ, आपका नाम दे सकता हूँ, किसी और का नाम भी दे सकता हूँ। तो दीज आर द टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं, ये दीज आर द एलिमेंट्स और दीज आर द एट्रीब्यूट्स। क्लियर है? ओके, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, चलिए फिलहाल फिनिश होता है। फिलहाल एक सिर्फ छोटा सा एक्सप्लेनेशन था HTML का। अभी हम HTML की बहुत सारी क्लासेस से बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम HTML के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ एट योर प्लेसेस। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस।